कराची पुलिस ने आईफोन चोरी करके इंटरनेशनल वेबसाइट पर फरोख्त करने वाले गिरोह के 3 कारिंदे पकड़ लिए। मुलजिमान ने पंजाब और सिंध में नेटवर्क फैला रखा था और ऑन डिमांड भी वारदातें करते रहे। दानियाल सैयद की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। आईफोन चोरी भी हो जाए तो चोर को कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसने कौन सा चलना है। ये बातें पुरानी हो गई हैं, क्योंकि कराची पुलिस ने एक ऐसे गिरोह के कारिंदों को पकड़ा है जो न सिर्फ आईफोन लोकल मार्केट में डिकोड करके फरोख्त कर देते हैं, बल्कि उन्हें इंटरनेशनल वेबसाइट पर भी फरोख्त करने में माहिर है। तो जनाब, इस गिरोह के सरगना का कारोबार है चिनियोट में, और कारिंदे फैले हुए हैं मुल्क भर में। गिरोह के अराकीन मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में वारदातें करते हैं। गाहक भी एक शहर में नहीं, लेकिन कराची, लाहौर, सरगोधा, फैसलाबाद और चिनियोट में खरीदारों की लाइनें लगी हुई हैं। ये गिरोह इतना मुनज्जम है कि वारदातें ऑन डिमांड भी करता है, यानी आपको जिस मॉडल का आईफोन चाहिए आपको मिल जाएगा। डिलीवरी चार्जेस तो फिर देना ही होंगे। फिरोजाबाद कराची की पुलिस ने इस बैनुसुबाई गैंग के 3 कारिंदे पकड़े हैं, जिनके कब्जे से 35 आईफोन बरामद कर लिए गए। मुलजिमों ने इंकशाफ किया कि गिरोह के कारिंदे कराची से छीने गए मोबाइल पुरानी सब्जी मंडी पर कायम कोरियर कंपनी के दफ्तर से चिनियोट में अपने चीफ को भिजवाते और रकम इजी पैसे से वसूल कर लेते हैं। मुलजिमों ने मोबाइल के खरीदो फरोख्त की वेबसाइट पर जाली आईडी बना रखी थी और अब तक एक अंदाजे के मुताबिक 1.5 करोड़ से ज्यादा मालियत के 100 आईफोन्स फरोख्त कर चुके हैं।